हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे पास एक्टिवा है, तो आप इसमें देख सकते हैं हमने ये पार्किंग में ये ब्लूइश में कुछ आपको दिख रहा होगा, यहाँ DRL लगा रखा था। तो आज हम ये DRL चेंज करने वाले हैं, तो इसकी जगह वाइट लगाने वाले हैं। तो वाइट में थोड़ी सी लेंथ बढ़ी है, तो हम थोड़ा सा इसके अंदर करके लगाने वाले हैं। वो आपको सारी फिटिंग मैं बताता हूँ कि कैसे लगेगी। तो जल्दी से इसका पूरा ये फेस खोल लेते हैं। गाइस देख सकते हैं हमने यहाँ पे फिटिंग कैसी करी है, और ये कुछ अजीब सी भी नहीं लग रही है ज़्यादा, तो ज़्यादा ओवर भी नहीं लग रही। हमने वायरिंग थोड़ी यहाँ से दी है, तो वो भी कुछ दिखेगी नहीं। थोड़ा सा हमने यहाँ नीचे की साइड डबल टेप लगाई है, क्योंकि यहाँ से कुछ रोकने के लिए था नहीं, तो डबल टेप ही लगाई है। वो भी बहुत देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट सी है एकदम। आई होप सो आप सबको दिख रहा होगा। यहाँ कटिंग भी देख सकते हैं हमने पूरी इसमें कटिंग करी है, और जो इसके साइड के एजेस थे इंडिकेटर और हेडलाइट के डोम के हेडलाइट के, तो उसमें हमने यहाँ फिटिंग करी है। ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरी की पूरी। तो
तो ये प्रॉपर फिट हो चुकी है और आपको अब ये लगा के दिखाता हूँ मैं। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। इसके कनेक्शन की बात आती है तो कनेक्शन की वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने स्विच इसका अलग से लगा रखा था। या आप यहाँ पर देख सकते हैं पार्किंग यहाँ चलेगी और हेडलाइट यहाँ चलेगी। तो इसमें मैंने ऑप्शन कर रखा है, ये मेरी एक्टिवा 4G है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब इसे जल्दी से फिट करते हैं और इसकी लाइटिंग देखने कैसी आती है। देख सकते हैं आप कितनी प्यारी फिटिंग आई है हमारी, कुछ ओवर भी नहीं लग रहा। तो DRL में यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा नहीं है कि गैप आ रहा हो या फिर कुछ आ रहा हो। तो दोनों इंडिकेटर के बीच में लग गया और आपको मैं चला के भी दिखाता हूँ उसे। चलाइए तो ये रात को थोड़ा अलग सा दिखेगा DRL में। और लाइट चला आगे तक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।